विशेष रूप से जो की प्रशिक्षण प्राप्त की है, युवा हो, युवतियां हो, महिलाओं हो, जॉब कहें या अपने घरों के समाज कार्यक्रम के इस बात भी 30 दिन में आया था। सबसे पहले जो अब मैं प्रतिभागियों के नाम जो है पुकारूंगा, श्रीमती सुमाना देवी, अंजलि कुमारी, मंजू देवी, वर्षा कोटवाल, यस्मीना बेगम, इल्मा बेगम, सुषमा बेगम, उषा देवी। पहले तो ये स्कीम मुझे वैसे आगे यहाँ थोड़ा बहुत काम मिलता है, पहले ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एक आपके लिए आप सोच के बारे में लोगों से बात करिए, अपने एटलीस्ट अपने परिवार से। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा कर, ऐसी ऐसी बुटीक वाली लड़कियां जम्मू में मिल जाएंगी जो लैक्स में कमाती हैं। वो थ्रू होगा नहीं होगा, तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर बच्चों की ये ख्वाहिश है तो हम अपने आला जो हमारा अफसर है उनको हम अपना प्रपोजल सबमिट करें, हमने उसी हिसाब से किया। तो मैं इस मंच से ये विश्वास करता हूँ जो भी आप लोग अवेलेबल हैं यहाँ, कि हम लोगों के और सरकार के जो हित में चीजें हैं उसको करते हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने हमारे को इस काबिल समझा, हमारे को ये इस कैंप में भाग लेने का मौका मिला, और ये जो टेलरिंग कटिंग का ये काम था तो बहुत ही अच्छे से हमको सिखाया गया और करवाया, कितने दिन से मतलब कोई 20 दिन से लगभग। तो इस तरह का मौका पहले भी कभी ऐसा कभी नहीं मिला हमें, तो किसी ने भी हमको ये बराबरी नहीं समझा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, या कहीं से भी कोई सपोर्ट मिला है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमको, और इन 20 दिनों में हमसे अच्छे से ट्रीट किया गया है, बहुत ही मतलब चाय पानी अच्छे से रखा गया है, ऐसी कोई भी वो नहीं हुई, और हमको अपने पैरों पर खड़ी होने की मतलब कि एक सामान आपको हाँ मिला है। यहाँ से मशीन मिली है कटिंग का, वो सामान सारा कुछ मिला है हमको, तो कितना खुशी महसूस, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते हो, ये जो है ना मेरे हाथ में ये देखो, तो आप सोच नहीं सकते हो कितनी खुशी मिली हमें, बहुत ज़्यादा। तो हम इन सब का जो भी ये सदस्या है इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरा नाम पूनम कटोचा है, मैं क्लेनी की रहने वाली हूँ, और सर ये 20 दिन कैंप चला SSB वालों की तरफ से, जो कैंप चला 20 दिन, ये 4 को स्टार्ट हुआ था और ये 20 को ख़त्म हो गया, और इतने दिनों में हमें बहुत अच्छा फील हुआ, और सर जो हमें सिखाया गया वो हमने सीखा भी, कटिंग सीखी, स्टिचिंग भी सीखी थोड़ी बहुत, और हमें अच्छा लगा कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, शॉप वगैरह खोलेंगे कुछ भी है तो हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो अच्छा ही है सर। आने वाले टाइम में तो जॉब वगैरह मिलनी नामुमकिन है, तो चलो कुछ प्राइवेट करके ही कुछ ना कुछ हो, फील कर रहे हो, सामान भी दिया गया, सामान हाँ सर, हमें सामान भी दिया गया, मशीनें मिली हमें, तो अच्छा फील लग रहा है, अच्छा हो रहा है फील कि हमें सब कुछ मिला, तो ठीक। कभी इस तरह का मौका मिला नहीं सर, ये मौका हमें नहीं मिला है, ये पहली बार मौका मिला और अच्छा लगा हमें भी, और हम इनका शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, अभी हम खलेनी डोडा में मौजूद हैं, और जिस तरह से आपको बताएं कि 7th बटालियन SSB की तरफ से कुछ दिनों पहले हमने यहीं से आपको खबर दिखाई थी कि SSB की तरफ से किस तरह से यहां पे लगभग 30 महिलाओं को फ्री कटिंग एंड ट्रेनिंग, यहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद जो है उनको सामान भी दिया जाएगा, और आज वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं कंक्लूड हुआ, और इनके सीनियर ऑफिसर SSB के यहां आए थे, और कुछ महिलाएँ यहां पे थी मौजूद थी जिनको यहां पे ट्रेनिंग दी गई थी, लगभग
15 दिन की ये ट्रेनिंग थी और महिलाएं उससे जब हमने बातचीत की काफ़ी वो खुश नज़र आई और उनने यही बताया कि अपने पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं। और उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनने ये बताया कि इस तरह के प्रोग्राम SSB करते हुए नज़र आएगी और अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। जिस तरह से सुरक्षा के साथ साथ SSB इस तरह के प्रोग्राम आए दिन हम देख रहे हैं कि करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान में, वसीम गुप्तू डोडा।